हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ मक्के की रोटी और सरसों का साग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो चलिए सबसे पहले हम सरसों का साग बनाकर तैयार कर लेते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए जितना हम सरसों का साग लेंगे उतना ही हम पालक लेंगे। मतलब अगर आपने हाफ़ के जी सरसों लिया है तो हाफ़ के जी ही आप पालक लेंगे। इससे जो स्वाद है वो अच्छा बन करके आता है। सबसे पहले आपको पालक और सरसों के पत्तों को अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये देखिए, इसके जड़ का जो हिस्सा है इसे हमें काट करके हटा देना है, क्योंकि ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसे हमें हटा देना है। अगर आपने जड़ के हिस्से को डाला तो आपका साग जो है वो कड़वा हो जाएगा। और ध्यान रहे, आप ध्यान से देखिए कि आपने सरसों के पत्ते लिए हैं। अगर आपने राई के पत्ते ले लिए तो फिर आपका सरसों का साग जो है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो आप जितना सरसों का साग लेंगे उतना ही आपको पालक का भी साग लेना है। अब दोनों को हमें अच्छे से धो करके अच्छे से साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद आप चाहें तो इसे कुकर में 2 से 3 विसल लगवा सकते हैं, या तो फिर किसी भगोने में आप इस तरीके से सरसों के साग और पालक के साग दोनों को साथ में डाल करके, पानी डाल करके आप इसे अच्छे से 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिए, उबाल लीजिए। तो ये देखिए, मैंने भगोने का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकर में आपको 2 से 3 सीटी लगवानी है मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद आपका जो सरसों का साग है वो अच्छे से स्टीम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सरसों के साग को अच्छे से स्टीम कर लेना है। अगर आप भगोने में करते हैं तो उसे करने में आपको 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। 10 से 12 मिनट में आप देखेंगे आपका जो सरसों है और जो पालक है वो अच्छे से पक चुका है, अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो इस स्टेज पे हमें इसे निकाल लेना है, इसे छान लेना है और इसे हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमें बनानी है इसकी प्योरी। इस तरीके से हमें इसे ठंडा करके इसकी प्योरी बना लेनी है बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल हम पंजाब स्टाइल सरसों का साग बनाएंगे, तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे, ऊपर से हम ज़ीरा डालेंगे, 2 से 3 लाल मिर्च डालेंगे और एक बड़े प्याज को बारीक बारीक काट करके हम उसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे ऑयल के जगह पे घी भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ऊपर से हम एक बड़ा टमाटर लेंगे, उसे भी उसकी प्योरी बनाकर उसे भी हम ऐड कर देंगे। और इस तरीके से हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छे से सारे मसालों को भून लेना है। ये देखिए, चलिए अब हम कुछ पाउडर फॉर्म के मसाले इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो स्वाद अनुसार हम नमक ऐड कर देंगे। ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया का पाउडर। ये देखिए, इस तरीके से सबको अच्छे से मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से फ्राई करना है। ऊपर से हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये देखिए, ये होममेड गरम मसाला है, तो इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सबको मिक्स करते हुए हमें 5 से 7 मिनट अच्छे से इसे भूनना है। और जब मसाले हमारे अच्छे से भून जाए तो उसमें हमने जो साग की जो प्योरी बनाई थी उसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब हमने जो साग उबाला था और उसका पेस्ट बनाया था उसे इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, क्योंकि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से भून चुके हैं और हमारा जो सरसों और पालक का जो साग है वो अच्छे से पका हुआ है। तो इसे हमें 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनना है। उसके बाद हम उसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने उसी कटोरी से पानी ऐड किया है जिस कटोरी में मैंने प्यूरी रखा था। तो इस तरीके से इसे मिक्स करते हुए हम 5 से 7 मिनट तक और इसे अच्छे से पकाएंगे। जब हमारा साग जो है वो अच्छे से उबलना शुरू हो जाए तो 2 चम्मच हम मक्के का आटा लेंगे, उसमें हम पानी ऐड करेंगे और उसकी एक स्लरी बना के तैयार कर लेंगे। और इस स्लरी को हम उस ग्रेवी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। मतलब सरसों का जो हमने साग बनाया है उसके अंदर इस स्लरी को हम डाल देंगे। इससे जो सरसों के साग का स्वाद है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत टेस्ट जो है वो उसका डबल हो जाता है। तो इसे ऐड करना बिल्कुल ना भूलिए। इस तरीके से अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। तो इसे हम ढक करके 5 से 7 मिनट तक पकाएँगे। तो चलिए, जब तक हमारा सरसों का साग जो है वो अच्छे से पक रहा है, ये देखिए इस तरीके से इसे बिल्कुल अच्छे से पकाना है। जब तक ये अच्छे से पक रहा है हम मक्के के आटे की तैयारी कर लेते हैं। जी हाँ, हम मक्के के आटे का डो बना करके तैयार कर लेते हैं।
मक्के का आटा लगाने के लिए मैंने ये देखिए 2 कटोरी के करीब मक्के का आटा ले लिया है। ये देखिए इस तरीके से मक्के का आटा लेकर के इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप ऑयल ऐड कर देंगे, तेल ऐड कर देंगे या फिर घी ऐड कर लेंगे, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है के लिए हम केवल नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही पानी लेंगे, सादा पानी ही लेंगे और इससे इसका एक डो तैयार कर लेंगे। आप जैसे जैसे डो तैयार करेंगे आप देखेंगे कि हमारा जो डो है उसके अंदर गेहूँ के आटे जैसी पकड़ नहीं होती है। ये देखिए इस तरीके से, तो हम इस तरीके से इसे इकट्ठा करके अच्छे से एक साथ मिला करके और हम इस पे पानी छिड़क करके 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा जो मक्के का आटा है वो अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें 20 से 25 मिनट के लिए रख देना है। और सरसों के साग को देखते हैं, तो ये देखिए हमारा सरसों का साग जो है वो अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल अच्छे अच्छे से उबल चुका है और बस इसे हम अपने सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे हमें सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। हमारा सरसों का साग जो है वो पूरी तरह पक चुका है, तो अब इसमें हम लगाएंगे एक मज़ेदार सा तड़का। तड़का लगाने के लिए हम लेंगे इस तरीके का कोई भी बर्तन या फिर आप कढ़ाई में भी लगा सकते हो। उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब घी। जी हाँ, सरसों के साग में घी बहुत अच्छा लगता है, तो 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। हमने मिर्ची पहले डाल दी थी, तो हम इसमें सिर्फ कश्मीरी मिर्च डालेंगे। तो ये देखिए कश्मीरी मिर्च डालिए, जीरा डालिए और उसका तड़का लगा दीजिए अपने सरसों के साग में और आपका सरसों का साग जो है वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मस्त और मज़ेदार सरसों का साग, इसमें ढेर सारा डालिए मक्खन और इसको सर्व करिए। चलिए हमारा सरसों का साग जो है वो बन चुका है, इसे हम रखते हैं साइड में और मक्के की रोटी बना करके हम उसे तैयार करते हैं। मिनट के बाद आप देखेंगे आपका जो आटा है, आपका जो डो है वो थोड़ा सा लचीला हो गया है, तो इसे हमें मिक्स करना है। इस तरीके से हम अपना डो लगा करके वापस से 10 से 15 मिनट के लिए इसे पानी छिड़क करके साइड में छोड़ देंगे। चलिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे डो ने दोबारा अच्छा खासा रेस्ट कर लिया। अब हम इस तरीके से इसके छोटे से बॉल्स को लेंगे, मतलब जितनी बड़ी हमें रोटी बनानी है उतना हम आटा लेके उसे अच्छे से इस तरीके से हाथों की हेल्प से, अपने हथेलियों की हेल्प से अच्छे से उसे हम मिक्स करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल गेहूँ के आटे की तरह इसमें लचक नहीं होती, इसमें पकड़ नहीं होती, तो इसे हमें अच्छे से मिलाना होता है। ये देखिए इस तरीके से, और इसकी रोटियाँ बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, गेहूँ के आटे की तरह नहीं बनती। तो आज हम जो आपको ट्रिक्स बताने वाले हैं घी मक्के के आटे की रोटी बनाने की, वो कुछ इस तरीके से है कि एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बना लेंगे। मक्के की रोटी बनाने के लिए ये देखिए मैंने लिया है सेलोफीन पेपर, आप चाहें तो साधारण जो पॉलीथीन हमारे घर में मिलती है मोटी पॉलीथीन उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं वो भी करके आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं ये सेलोफीन पेपर जो हर घर में मिल जाता है इसके ऊपर रखेंगे हम अपना, इसे हम इस तरीके से फैला लेंगे और इस पे हम अपना घी ऑयल अच्छे से ग्रीस कर देंगे। घी ऑयल ग्रीस कर लेने के बाद इसमें हम अपना डो रखेंगे इस तरीके से। जितनी बड़ी हमें रोटियां बनानी होगी उतनी बड़ी हम पॉलीथीन ले लेंगे और डो रख के ऊपर से भी हम पॉलीथीन लगा के, और ये देखिए इस तरीके से हमें बेलते चले जाना है। देखिए कितनी आसानी से मक्के की आटे की रोटी जो है वो बेल जाएगी और जितनी पतली आप चाहेंगे उतनी पतली बेल जाएगी। तो इस तरीके से हमें मक्के के आटे की रोटी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही आसान तरीके से ये बेल करके तैयार हो जाती है। आप चाहें तो मोटी रख सकते हैं, आप चाहें तो मक्के की रोटी को पतली से पतली बना करके तैयार कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं फटेगी, लेकिन अगर आप बिना पॉलीथीन लगाए बनाएंगे तो वो फट जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें मक्के की आटे की रोटी बना लेना है, तवा गरम करके उसके ऊपर हमें ये देखिए इस तरीके से रोटी को रख देना है। अब आप चाहें तो इसे फ्लेम के ऊपर फुला सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसी स्टेज पे इसमें घी गरम करके डाल सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप चाहें तो मक्के के आटे की रोटी जो है वो घर पे आसान तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। अब जो सिंपल हमारे घर में रेगुलर पॉलीथीन आती है, जो मोटी वाली पॉलीथीन होती है, बस वो पॉलीथीन हमें ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से लेना है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा घी या फिर ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो हल्का सा 1 से 2 ड्रॉप हम डालेंगे और उसके अपने हाथों की हेल्प से या फिर ब्रश से उसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे। ग्रीस करने के बाद इसके बीच वाले हिस्से में हम रखेंगे
लोई को। जी हाँ, हमें दोनों तरफ से अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है और बीच वाले हिस्से में हम इसके रखेंगे अपनी लोई जिसकी हमें रोटियां बनानी है। बीच में इसे हल्का सा प्रेस करके फैला लेंगे और फिर दूसरे साइड वाले पॉलीथीन को इसके ऊपर रख के और हम इसके ऊपर अच्छे से इसे बेलना शुरू करेंगे। ये देखिए, इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से फैला लेंगे हम, और फैलाने के बाद इस तरीके से हमें पॉलीथीन रखनी है और पॉलीथीन रख के इसे हमें बेलन की हेल्प से इसे हमें अच्छे से बेल लेना है। बिल्कुल वैसे ही बेलना है जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं, गेहूं के आटे की रोटी बेलते हैं, तो ठीक उसी तरीके से हमें इसे देखिए इस तरीके से पलटते हुए इसे हमें बेल लेना है और ये बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए, आप इसे जितनी पतली चाहें जितनी मोटी चाहें इसे बड़ी आसानी से बेल करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे मक्के की रोटी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए, सरसों का साग और मक्के की रोटी बनके तैयार है। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।